तो गर्मी से बहुत ज्यादा बबलू का तबीयत खराब हो जा रहा था। अब एसी चालू हो गया, अब जान में जान आया। फट्टू दरवाजा था और यह कितना मस्त मंदिर है। बहुत ही ज्यादा धूप है और हाई टेम्पर है यहाँ पे। तो अभी मंदिर में दर्शन वगैरह भी हो गया हम लोग का, तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने नए ब्लॉग में। और आज है बुधवार और आज हम लोग जाने वाले हैं बोध गया। तो अभी सबसे पहले मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा क्योंकि ऑफिस में कुछ काम वगैरह है, तो वो कुछ काम करेंगे। थोड़ा बहुत ही काम है, आधे घंटे का काम है, तो आधे घंटे में अपना काम कम्प्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी हमें होना पड़ेगा रेडी। तो अभी चलते हैं, पहले नहाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे ऑफिस। और ऑफिस से ही हम लोग का जाना हो रहा है बोध गया, तो वीडियो में तक बने रही और क्यों जा रही ये आपको वीडियो में पता चल ही जाएगा। तो स्टे ट्यून गाइस। तो अभी हम लोग निकल चुके ऑफिस के लिए। रास्ते में मैंने सत्तू का शरबत पी लिया। तो कपिल जी, एक था आपका डिक्की में केक, खाने ने गया, एक वो खा गए। ए मर्दे बचवा लोग कथा कर दिखाना भूल गए। नहीं खाया है, टेंशन मत लीजिए। तो अभी सारा काम हम करके आ गए मंत्रालय से भी, वहाँ डॉक्यूमेंट जमा करना था, डॉक्यूमेंट जमा कर दिया। अभी सारा नीचे सामान वामान लोड हो रहा है, उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे बोध गया के लिए। तो फटाफट एक छोटा सा और काम बच गया है, वो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे। तो फाइनली अभी हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, मैं बबलू कपिल चंद्रदेव भैया, तब एक गाड़ी में रहेंगे हम लोग बोध गया के लिए। A few inches later. तो गाइस, तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं चंद्रदेव भैया के रूम में और कार एक्सचेंज कर रहे हैं हम लोग। ये गाड़ी को अभी रख देंगे क्योंकि इसमें एसी नहीं चल रहा है। तो अभी हम लोग जाएंगे वेगनार। बहुत ज्यादा गर्मी है भाई, तो गर्मी से बहुत ज्यादा बबलू का तबीयत खराब हो जा रहा था। तो अभी एसी वाला गाड़ी में बैठ के मजा लगेगा ना। ये रहा नहीं जाता। और सब कोई का गर्मी से हालत खराब, सिर्फ 5 किलोमीटर में ही हम लोग। अब एसी चालू हो गया, अब जान में जान आया, मजा लगेगा। चंदे बाबू के घर पे आए हैं अभी और वेगनार से हम लोग चल रहे हैं। तो अभी हम लोग हजारीबाग पहुंच चुके हैं और धूप काफी ज्यादा है, मैं तो सो गया था कार में। तो अभी हम लोग खाना खाने के लिए रुके हुए हैं यहाँ पे, अभी खाना वाना खाएंगे उसके बाद फिर निकलेंगे हम लोग यहाँ से। और कितना दूर होगा यहाँ से? और 150 किलोमीटर यहाँ से और बोध गया 150 किलोमीटर है। अला सीटी मार रही था यार। थोड़ा फ्रेश व्रेश होने के लिए भी रुके हुए हम लोग, फ्रेश व्रेश होएंगे, खाना वाना खाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो अभी पूरा फ्रेश हो चुके हैं हम लोग, मुँह कान धो के, और अभी हम लोग खाने के लिए ऑर्डर कर चुके हैं। तो अभी खाना हमारा आ रहा है और हमारे साथ इधर बबलू और कपिल जी भी इधर बैठे हुए हैं। तो अभी हम लोग का खाना पीना खत्म हो चुका है, सबको खा पी लिया भाई। बबलू खा लिया ना? हाँ, अभी खा रहे हैं कि? ठीक ठीक, खाओ खाओ। A few moments later. So guys, तो अभी हम लोग पर ही क्रॉस कर चुके हैं और अभी एक जगह पे रुके हैं हम लोग थोड़ा फ्रेश होने के लिए। और इधर आप देख सकते हैं ये कैसा जगह है। फाइनली हम लोग बोध गया पहुंच चुके हैं अब। तो गाइस, तो अभी बज रहे हैं 9 और 9 बजे हम लोग पहुंचे हैं, अभी जा रहे हैं अंदर फ्रेश होने के लिए। और सूरज भाई मिल गए यहाँ पर, हम लोग अभी होटल में इन कर रहे हैं। बबलू को तो बहुत ज्यादा हरासमेंट हो गया। नहीं, वहाँ पे धूप में निकले ना सूरज भाई, गर्मी तो यहाँ बहुत भयंकर है यार। गर्मी तो है, इसीलिए तो हमें एसी से निकलना ही है। हाँ बात तो है, बहुत भयंकर गर्मी है यहाँ पे बिहार में। फटाफट चलते हैं रूम में और नहाएंगे, फ्रेश होंगे, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। फाइनली रूम में पहुंच गए हैं, सबसे पहले तो अभी नहाएंगे फ्रेश होंगे, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोग। तो गाइस, तो फाइनली अभी नहा धो के पूरी तरह से कंप्लीट, अब फटाफट रेडी होते हैं और चलते हैं फिर पार्टी में हम लोग। और सूरज भाई इधर वीडियो चैट कर रहे हैं, हमारी गर्लफ्रेंड है, लगे रही है। तो अभी फटाफट हम लोग कपड़ा वपड़ा पहनते हैं फिर निकलते हैं पार्टी के लिए। तो गाइस, तो अभी नहा धो के पूरी तरह से कंप्लीट फ्रेश हो चुके हैं, बबलू उधर रेडी हो रहा है। तो अभी चलते हैं पार्टी में, बबलू रेडी होता है उसके बाद फिर कुछ कुछ खाया जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा से लगी हम लोगों को भूख। तो बबलू भी हो चुका है रेडी, पूरा फिट फाट, जीट जाट, ऊपर से नीचे तक एकदम चकाचक। चलिए चलिए, फोटो वोटो बाद में जाएगा। तो गाइस, तो हम लोग फ्रेश हो चुके हैं और हम लोग होटल से निकल रहे हैं, जा रहे हैं जहाँ पे पार्टी है वहाँ पर। तो मिलते हैं सीधा पार्टी लोकेशन। तो फाइनली अभी हम लोग पहुँच चुके हैं। तो एंगेजमेंट अभी हो चुका है, अब टाइम है पेट पूजा का। तो फटाफट से खाना खाते हैं, उसके बाद फिर एंजॉय करते हैं।
गाइस तो अभी पार्टी वूटी सारा खत्म हो गया, अब हम लोग आ गए हैं रोड में और अभी थोड़ा सा घूम रहे हैं और उधर पार्टी चल रहा है, आप लोग उधर देख रहे हैं। सो गाइस तो अभी खाना वाना खा के आराम से हम लोग बैठे हुए हैं, बाहर डांस वगैरह चल रहा है और हमारे साथ में है कुंदन भाई, उधर राम जी और इधर है बबलू। तो बोस के बेटे का था एंगेजमेंट तो हम लोग आए हुए थे बोध गया, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बोध गया में है अभी, तो एंगेजमेंट अभी कंप्लीट हो चुका है। तो अभी जाएंगे हम लोग होटल में रूम में क्योंकि रात काफी हो चुका है, लगभग 1 बज रहे हैं अभी, तो मिलते हैं आप लोगों से सीधा होटल रूम में। तो फाइनली अभी रूम पहुंच चुके हैं और काफी ज्यादा थक गए यार, बहुत ज्यादा मजा लग रहा है रूम पहुंच के। सुबह से हम लोग जो घूम रहे रांची से ही और इतना धूप, बाप रे बाप, गर्मी बहुत ज्यादा गर्मी है बिहार में, बहुत ही ज्यादा गर्मी। मैं रांची से आने के बाद मैं नहा रहा था और नहाते नहाते गर्मी से मेरा पूरा शरीर मतलब जल रहा था, इतना भयंकर गर्मी है यहाँ पे। तो फिलहाल आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं कल सुबह आप लोगों से, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, और अभी यार सो के उठा हूँ और आज है सेकंड डे हम लोग का बोध गया में, और अभी मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। पहले नहाऊंगा, ब्रश व्रश करूंगा, नहाऊंगा, उसके बाद फिर आप लोग से मिलता हूँ। सो गाइस तो अभी नहा धो के पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं और इधर बबलू रेडी भी हो गया, कपड़ा भी पहन लिया और अपना कपड़ा वपड़ा पैक भी कर रहा है। फटाफट से अभी मैं भी रेडी होता हूँ और चलते हैं हम लोग नाश्ता करने के लिए। सो गाइस तो अभी हम लोग होटल के बेसमेंट में आ चुके हैं नाश्ता करने के लिए और हमारे पास नाश्ते में है ब्रेड और पोहा। तो अभी हम लोग नाश्ता वास्ता कर लिए हैं, नाश्ता वास्ता करने के बाद अभी रूम में आ चुके हैं और मेरे हाथ में है कॉफी। कोई कोई जगह पे मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि सर लोग हैं यहाँ पे, हर जगह मतलब बोल के बता नहीं पा रहा हूँ। तो फिलहाल अभी हम लोग कॉफी पीते हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से। तो दिखाऊंगा आप लोगों को सुबह में बोध गया का नजारा, बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। अभी हम लोग आ चुके हैं अपने रूम में फिर से और हमारा जो सामान वगैरह है, चार्जर वगैरह जो है और बैग, सारा कपड़ा उड़ा इधर फैला हुआ है, तो वो सारा समेट अभी बैग पैक करेंगे और निकलेंगे हम लोग यहाँ से, चेकआउट करेंगे और देखते हैं थोड़ा बहुत घूमेंगे, उसके बाद फिर हम लोग वापस चलेंगे रांची के लिए। फाइनली अभी हम लोग यहाँ पर निकल चुके हैं और बहुत ज्यादा धूप है, गर्म हवा चल रही है। तो ये रहा सामने हम लोग की कार और चलते हैं अभी, देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं हम लोग। आ गए कार के अंदर और बहुत ही गर्म हवा चल रहा है यहाँ पे, देख सकते हो पेड़ सब कितना हिल रहा है, पूरा गर्म हवा है भाई, लू चल रहा है इधर। तो गाइस तो अभी हम लोग आ गए हैं एक मंदिर में, आप देख सकते हो यहाँ पे बौद्ध मंदिर है और यहाँ ये सब भी बिक रहे हैं। ये सब कितना का है? ये वाला 80 रुपये और बड़ा वाला। तो अभी जाते हैं थोड़ा सा मंदिर वंदिर अंदर देखते हैं और आते समय ले लेंगे कुछ यहाँ का। और यार कितना मस्त ये मंदिर है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है सुंदर सा। तो अभी चलते हैं अंदर, हम लोग देखते हैं कैसा है क्या है। तो अभी मंदिर में दर्शन वगैरह भी हो गए हम लोग का, तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो गाइस तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा धूप है और अभी हम लोग निकल चुके हैं फिर से और ये बुद्धा के 2 स्टैचू मैंने लिए हैं। तो अभी चलते हैं, कार हम लोग का आगे खड़ा है और यहाँ पे अधिकतर बिल्डिंग्स वगैरह भी कुछ इस तरह से ही बनाई गई है जैसे कि बुद्ध टेम्पल्स वगैरह रहते हैं। तो अभी मंदिर से निकल गए थे और अभी हम लोग गया पहुँच चुके हैं, गया में कुछ काम था तो अभी जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं यहाँ पे, चलिए चलते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा फल वगैरह खरीदने के लिए रुक गए हैं, तो अभी यहाँ से फल लेते हैं और जाके गाड़ी के पास ही हम लोग खाएंगे, लेकिन क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा धूप है। तो फाइनली अभी गाड़ी के पास आ चुके हैं और इतनी ज्यादा गर्मी है भाई, बता नहीं सकता हूँ, बहुत भयंकर गर्मी है, बहुत बहुत भयंकर, पूरा चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे पूरा सला कुछ चीज जल गया है, इतना भयंकर गर्मी है ना गया में, बहुत बहुत भयंकर गर्मी है भाई। तो गए तो फाइनली अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं बोध गया से, मतलब गया आ गए थे हम लोग और गया से अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से रांची के लिए। तो गए तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं हजारीबाग और अभी रात के 11 बज रहे हैं और अभी यहाँ पे खाना खाने के लिए रुके हुए थे हम लोग होटल वनांचल फैमिली रेस्टोरेंट में। तो अभी खाना वाना खा लिए हैं, अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो सीधा रांची में रुकेंगे और रांची पहुँचते पहुँचते हम लोग का लगभग 1 तो बज जाएगा। बस यार आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर किसी दिन किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।
है।